हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आज अपने गार्डन में आपको स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज गोल्डन सीडम प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ कि उसकी रख रखाव कैसे और केयर कैसे करें कि और सालों साल आपके गार्डन में बना रहे। उससे पहले सोची हूँ कि अपने गार्डन का ये छोटा सा लुक आपको दिखा दूँ। ये कितने अच्छे फ्लावर आए हैं। ये मेरे गार्डन का सबसे प्यारा फ्लावर है, मुझे बहुत ही पसंद है और ये बहुत महंगा भी मुझे मिला था। फ्रेंड, तो बताइएगा ये मेरा फ्लावर कैसा है और बताइए फ्रेंड आप लोग कैसे हैं। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं सीडम प्लांट। फ्रेंड, ये मेरा सीडम प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। ये इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसको कम देख रेख में ये आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। अगर आपको छोटी सी छोटी कटिंग कहीं से मिल जाती है तो उसको लगाइए और वो आसानी से ग्रो कर जाएगा। जो ये छोटी वाली एक टहनी दिख रही है, इसको आप लगा दीजिएगा और ये पूरा बकेट भर जाएगा। मुझे कहीं से इसका कटिंग मिला था छोटा सा, अब मैंने लगाया, पूरा बकेट भर गया। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये देखिए मेरी बिटिया ने लगाया है, कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और बस एक छोटी सी लगाई थी, उसी से ये पूरा तैयार होगा। इसको छोटे से छोटे बच्चे भी अगर गाड़ दें तो ये हो जाता है, इतना ईजी ग्रो होता है। ये देखिए, मेरी बिटिया ने इसी में से उखाड़ के लगा दिए। थोड़ा शरारत करती रहती है, उसको भी गार्डन में शौक जग गया है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर गया है। अगर आपको कहीं से कटिंग इसकी मिल जाती है तो प्लीज़ लगाइए, काफ़ी महंगा प्लांट आता है। तो कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से ही इसको अपने गार्डन में ग्रो करिए। फ्रेंड, तो बताइएगा मेरी आपको कैसी लग रही है। फ्रेंड, इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसका हमेशा भुरभुरी ही तैयार करते हैं। किसी भी सकुलेंट की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करते हैं, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। पानी नहीं रुकता है तो प्लांट सालों साल चलता है हमारे गार्डन में। अगर पानी इसमें रुक गया, इस प्लांट में, इसकी मिट्टी में, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये येल्लो होने लगता है, ये पत्तियाँ जो इसकी है पूरी येल्लो होकर गिर जाती हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी ना रुके इसमें, वही मिट्टी तैयार करने के लिए। फ्रेंड, हम बता रहे हैं क्या क्या करेंगे कि भुरभुरी मिट्टी तैयार हो। उसके लिए एक हिस्सा मिट्टी लेंगे, एक हिस्सा बालू लेंगे, केचुए की खाद लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद गोबर की खाद ले लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे, सब मिला के एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार करेंगे। उसमें थोड़ा भूसी भी डाल देंगे, धान वाली जो भूसी आती है, इससे बहुत अच्छी वेलड्रेन मिट्टी तैयार होती है। हाँ, जब मिट्टी तैयार करने के बाद गमले का भी विशेष ध्यान रखिए। देखिए मैंने गमले में कितनी सारी ड्रेनेज सिस्टम बनाई है, जो भी मैं पानी डालती हूँ एक्स्ट्रा सब छन के निकल जाती हैं, पानी इसमें रुकता नहीं है। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बस इसमें पानी का ही विशेष ध्यान देना रहता है, नहीं तो ये तो आसानी से आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। और एक तरीका और है कि अगर लगाते हैं और ये पूरा फैल जाता है तो उसके बाद एक काम करिए कि इसको कई जगह इसका कटिंग लगा ले। बाय द वे, अगर गलती से ये आपके गार्डन में अगर ख़राब हो जाता है तो दूसरा प्लांट आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो प्लीज़ इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए और इसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट चाहिए। 6 घंटे की सनलाइट में ये बहुत अच्छे से आपके गार्डन में बना रहेगा, सालों साल आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। ये बहुत हैंगिंग प्लांट है, कम से कम 1-1.5 बित्ते तक ये नीचे जाता है। ये पूरा नीचे लटकते हुए ये जाएगा। ये बहुत खूबसूरत लगता है जब ये लटकता है। तो एक बुद्धा जी वाला भी गमला आता है, उसमें भी आप लगाइए तो ये लगता है जैसे उनके ये बाल हैं, बहुत देखने में प्यारे लगते हैं। देखिए ये छोटी कटिंग है, इसको हम लगा देंगे ऐसे किसी भी मिट्टी में और इसको बस ऐसे मिट्टी में दबा देंगे तो ये आसानी से, ये देखिए दबा दिया है ना, अब ये पकड़ लेगा। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, झंझट नहीं है। हाँ, इसको जब भी फर्टिलाइज़र दें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, साल में कम से कम 3 बार दें। उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र में क्या दें, मार्केट में बहुत सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र आती है ग्रो करने वाली, उसको भी दे सकते हैं। नहीं तो केचुए की खाद का लिक्विड बना के दीजिए, नहीं तो गोबर की खाद का लिक्विड बना के दीजिए, छान के उसमें बारीक हो, नहीं तो सरसों की खली का लिक्विड बना के दीजिए। एकदम पतला लेयर दीजिएगा, मोटा लेयर नहीं। मोटा लेयर अगर पत्तियों पर अटक जाएगा तो पत्तियां सारी ये ख़राब कर देगा। और कोई भी मोटी परत वाली इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना है लिक्विड के अलावा। कोई और फर्टिलाइज़र डालिएगा तो ये पत्तियाँ जितनी हैं सब ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी। पत्तियों के ऊपर ही जो भी हम फर्टिलाइज़र डालेंगे पत्तियों के ऊपर ही जाकर टिक जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको लिक्विड ही डालना है और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, नहीं तो ये ख़राब होने में समय नहीं लगता। और इसको बारिश से बचाना है और इसको कम से कम 6 घंटे की धूप में रखिएगा तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, ऐसे ही ग्रीन दिखेगा। हाँ, जब एकदम चिलचिलाती वाली धूप आती है तो वहाँ थोड़ा सा इसको सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, जहाँ सुबह की 3-4 घंटे की धूप लग जाए वही काफ़ी है। अब फ्रेंड, ये ठंडी के मौसम में ये ग्रो नहीं होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ये आराम करने लग जाते हैं प्लांट,
क्योंकि उस मौसम में ये प्लांट सेकुलेंट जितनी भी सेकुलेंट वेराइटी है वो ठंडे के मौसम में ग्रो नहीं होता है, वो ज़्यादा फरवरी से और अक्टूबर तक ही उसका ग्रोइंग पीरियड होता है, बाकी वो ग्रो नहीं होता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, अगर प्लांट खरीद के लाते भी हैं तो फरवरी और में लाएँ, अगर कटिंग भी लगाते हैं तो अक्टूबर के पहले लगाएं, और बारिश से इसको फ्रंट बचा के रखना है। मैं इसको अंदर रखी थी तो वीडियो शूट करना था तो बाहर निकाल के लाई हूँ, क्योंकि देखिए अभी बारिश हो रहा है मेरे यहाँ, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे छोटे से छोटे कंटेनर में लगाइए, बाटल में लगाइए, चाहे जिसमें लगाइए, हाँ लेकिन इसकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिए ताकि उसमें मिट्टी में पानी ना रुके। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तभी लाइक सब्सक्राइब करिएगा, नहीं आती है तो कोई बात नहीं फ्रेंड, अपना टाइम दीजिएगा उसी के लिए, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय फ्रेंड।